शॉप पे आने के बाद पता चला है कि मेरी 13 साड़ी मिसिंग है जो सूरत में रह गई है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना। हेलो फ्रेंड, अभी हम लोग दिन के बजे है 11 और शॉप पे आए हैं। निशा पप्पा साड़ी लाने गए थे सूरत खरीदी करने, तो वही खरीदी करके आए हैं और सब साड़ी लगाना है। नंदनी लगाया है आधा और दूसरा अभी हम लोग हेल्प करेंगे नंदनी। तो 50% हमारी साड़ी डिस्प्ले हो गई है और 50% अभी बाकी है। यहाँ पर ये सब साड़ी अभी हम लोग यहाँ डिस्प्ले लगा देंगे। तो अभी 4 से 5 घंटे लग जाएंगे हमको डिस्प्ले करने के लिए, और थोड़ा वर्क करते हैं और फिर खाना खाने के लिए चलते हैं घर पे। दोपहर के 12 बजे है और मैं जा रहा हूँ हेतल को अभी स्कूल छोड़ने के लिए। हेतल को स्कूल छोड़ के फिर मैं आ जाऊँगा शॉप पे और फिर खाना खाने के लिए 2:30 बजे फिर वापस घर पे जाएंगे। हेलो, बारिश चालू है, हल्का हल्का बारिश चालू है और बहुत मज़ा आ रहा है बारिश में। तो हेतल को छोड़ के फ्रेंड अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। चलो मिलते हैं फिर घर पे। तो जा रहे फ्रेंड अभी शॉप पे, हेतल को छोड़ के आ गए घर पे। बारिश बहुत है, घर के 2:30 बज गए और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉप बंद करके घर पे खाना खाने के लिए। और लाइट बंद कर दो फिर निकलते थे, ठीक है। फ्रेंड अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, खाना नहीं खाया है, थोड़ा खाना खा लेते हैं। मैं तो खाना खा के आ गया हूँ लेकिन सुनीता ने खाना नहीं खाया है, तो सुनीता और नंदनी ने भी खाना खा के हो गया उसका। फिर तो पूरा दिन निकालना ही, पहुँच गए घर पे। हाँ चलो, घर पे आ गए फ्रेंड। फिर हमने खाना भी हमारा हो गया और 1-1.5 घंटा सो गए और अभी 4:45 बज रहे और अभी हम लोग उठे और यहाँ पर अभी हमारी चाय भी बन रही है। चाय पी के फिर चलते फिर शॉप पे। शायद शॉप में मैं नहीं जाऊँगा, शॉप पे नंदनी और नंदनी की मम्मी जाएंगे। चाय को और कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। चलो 2 मिनट मेरी चाय तैयार हो जाएगी। अभी 4:45 बज रहे लेकिन संतोष स्कूल से नहीं आया, ट्यूशन गया है ना। आज आ गया संतोष? हाँ। क्यों? सो गए सभी बजे, अभी 5:30 बजे। सो ट्यूशन तो मैं 2:30 को ही गया था और अभी थोड़ा लेट हो गया। और गाइस मैं चाय भी पी लिया हूँ, ट्यूशन से भी आ गए और थोड़ा भी लिखते हैं, थोड़ा रेस्ट करते फिर पापा भी थोड़ा बाइक चलाने बाहर जाते। चलो फ्रेंड, तो मेरा टाइम हो गया शॉप पे वापस जाने के लिए। खाना खा गया, आराम भी किए, चाय भी हो गई और चलते फिर शॉप पे। फ्रेंड मैं शॉप पे जा रहा हूँ शॉर्टकट मार के। फाइनली मैं शॉप पे आ गया हूँ। अब शॉप पे आने के बाद पता चला है कि मेरी 13 साड़ी मिसिंग है जो सूरत में रह गई है। ईशा किनिशा ईशा गाइस, अभी मैं और पापा ये भी सब्जी लेने हैं बाजार में, तो अभी चलते भी थोड़ा बाजार में। और गाइस मम्मी शॉप पे और हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। सो गाइस और मम्मी शॉप पे है ना और हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। और गाइस बैग का ये भी टूट गया था, ये रहता है ना, तो अभी बैग भी रिपेयर करना है। तो चलते, मोची के पास सुई नहीं थी तो यहाँ पर रिपेयर नहीं हुई। तो गाइस हमको जो सब्जी मंगाई थी वो सब्जी मिली नहीं, तो अभी हम लोग भिंडी लेके जा रहे हैं घर पे। तो अभी चलते, तेरी मम्मी क्या बोलती है? सो गाइस अभी हम लोग घर पे पहुंच गए, सो भी चलते हैं। तो सब्जी नहीं मिली सुनीता, तो उसके जगह भिंडी लेके आए हो? हाँ चलेगा, अभी भिंडी फ्राई कर दूंगी। हाँ तो फ्राई कर दो, ठीक है, ओके। चलो अभी खाना तैयार हो गया, खा लेते हैं। तो फ्रेंड अभी हम लोग का भिंडी फ्राई और सब खाना तैयार हो गया है, तो चलो खाना खाते हैं। तो ये मेरी भिंडी फ्राई और यहाँ पर हमारा रोटला जो कि रोटी बोलते हैं हिंदी में, और ये हमारा दूध, दूध रोटी और भिंडी फ्राई आज हम लोग लंच रात का खाने में खाएंगे।
फ्रेंड, रात के 11 बजे है और एक खुशखबरी ये है कि जो हमारी 13 साड़ी मिसिंग हो गई थी सूरत में, तो हमने फ़ोन किया वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि आपकी साड़ी यहाँ पर छूट गई और आप आके लेके जाओ बोले। तो अभी जब अगले हफ्ते जाएंगे मार्केट तो हम लोग लेके आएंगे वो 13 साड़ी, और यहाँ पर सब लोग अभी खाना खा रहे और मैं भी खाना खा लेता हूँ। चलो मिलते हैं फिर, अभी ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो लाइक करना, ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गुड नाइट। Thank you.